दोस्तों टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा लग्जरी जहाज तैयार कर लिया गया है। ये इतना बड़ा है कि पानी पर तैरता एक पूरा शहर लगता है। इसमें रेस्टोरेंट, बार, बीच, वाटर पार्क, वाटरफॉल और बहुत कुछ मौजूद है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इस जहाज की बहुत सी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस शिप में अपना वाटर पार्क है, इसके अलावा 40 रेस्टोरेंट्स और बार है। 55 फीट ऊंची वाटरफॉल भी मौजूद है। इसमें बैक वक्त 5,500 से ज्यादा मुसाफिरों और 2,000 से ज्यादा क्रू मेंबर रह सकते हैं। इस जहाज में जरूरियात जिंदगी की हर सहूलत फराहम की जाएगी। दोस्तों इस जहाज की तमीर पर $2 अरब की लागत आई है, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान के IMF के कर्जे की एक किस्त है। अभी सिर्फ इसकी टेस्ट ट्रायल्स हुए हैं और अभी से इसकी पूरी दुनिया में धूम मच चुकी है। लोगों की तरफ से धड़ाधड़ इसके सफर के लिए एडवांस बुकिंग्स करवाई जा रही है। दुनिया भर से हजारों लोग अब तक इसके पहले मुसाफिर बनने के लिए टिकटें खरीद चुके हैं। दोस्तों ये जहाज ना सिर्फ इतना बड़ा बल्कि खूबसूरती में भी इसकी कोई इंतहा नहीं है। दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज में ऑन बोर्ड वाटर पार्क सबसे बड़ा है। इसमें एक बहुत ही बड़ी फ्री फॉल स्लाइड भी मौजूद है। इसमें लोग खूब मजे कर सकते हैं। जहाज में एक बड़ा मिनी गोल्फ कोर्स भी रखा गया है, जहां लोग अपना गोल्फ का शौक भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस जहाज बनाने वाली कंपनी ने नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी सहूलियात इस जहाज के अंदर फराहम की है। दोस्तों आइकन ऑफ द सीज से पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज वंडर ऑफ द सीज था, लेकिन ये जहाज इससे भी 10 फीट लंबा है। इसकी लंबाई तकरीबन 1198 फीट है और इसका वजन 2.5 लाख टन से भी ज्यादा है। ये टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा है। टाइटैनिक का वजन तकरीबन 46,000 टन के करीब था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जहाज कितना बड़ा होगा। आइकन ऑफ द सीज में सबसे बड़ा कैबिन जिसके 8 महल्ले हैं, यहाँ लोगों के रहने के लिए हर इंतजाम किया गया है। बाकी तफरी दूसरे एरियाज में की जाएगी। फर्ज करें कि आप अपना फोन किचन में रख कर अपने बेडरूम में आ गए हैं, तो सिर्फ आपको अपना फोन लेने के लिए खसूसी लिफ्ट लेना पड़ेगी। ये लिफ्ट आपको 3 मंजिलों की ऊंचाई पर ले जाएगी। वहाँ से आप अपने फोन को लेकर आएंगे। अगर आप वापस बेडरूम में आना चाहें तो इसी लिफ्ट में आप वापस आ सकते हैं, या फिर एक 35 फीट ऊंची स्लाइड बनी हुई है, इससे स्लाइड करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। आइकन ऑफ द सीज में 7 स्विमिंग पूल्स और 6 वाटर स्लाइड्स हैं। ये 20 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2300 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुसाफिरों की खिदमत के लिए पेश होगा। जब ये जहाज समुद्र में अपना सफर शुरू करेगा तो इस जहाज में लगभग 10,000 इंसान मौजूद होंगे। इस जहाज के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही माहौल दोस्त बनाया गया है। ये आम जहाजों की तरह डीजल के बजाय LNG पर चलता है, इससे आलूदगी कम से कम होगी। इसके अलावा इसमें 6 मल्टी फ्यूल इंजन है। ये LNG के अलावा दूसरे ईंधन पर भी चल सकता है। जहाज के इंजन इतने ताकतवर हैं कि ये 67,500 किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ये जहाज अमेरिकन कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल की मलकियत है। इसे फनलैंड में तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये 2024 के शुरू के दिनों में ही सर्विस में आ जाएगा। जब ये पहली बार मुसाफिरों को लेकर सफर पर रवाना होगा तो इस वक्त तक इस पर $2 अरब की करीब लागत आ चुकी होगी। ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके समुद्र में सफर से पहले ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसका पहला ट्रायल 19 जून 2023 को किया गया था। इस तरह के जहाजों के कुछ ट्रायल्स तो शिप यार्ड में ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ खुले समुद्र करना पड़ते हैं ताकि अगर कोई खामी या कमी रह जाए तो इसे दूर किया जा सके। इसने अपना पहला ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और अब इसका फाइनल टचअप किया जाएगा। इतने महंगे जहाज की आप सोच रहे होंगे कि आखिर टिकट्स कितनी महंगी होंगी। दोस्तों कंपनी ने इसी सिलसिले में पहली बार अक्टूबर 2022 में इसके टिकट फरोख्त के लिए पेश किए थे। इस वक्त इसकी कम से कम टिकट की कीमत 4.5 लाख रुपए रखी गई थी। कंपनियों की तरफ से टिकट्स ऑफर होते ही लोग इस पर टूट पड़े, धड़ाधड़ बुकिंग करवाने लगे, जिसकी वजह से टिकटों की कीमत बढ़ गई। अब इसकी कम से कम कीमत तकरीबन 4.5 लाख से 5.5 लाख तक पहुंच चुकी है। कंपनी की जानिब से इसका पहला सफर अमेरिकी शहर मियामी से मगरबी कैरेबियन का किया जाएगा। ये सफर 7 रातों पर मुश्तमिल होगा। इसकी सबसे महंगी टिकट तकरीबन 32 लाख रुपए की है, जो एलीट क्लास या बिजनेस क्लास को दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट मिल सके।